प्रभास की वन ऑफ द एंटीसिपेटेड मूवी कल की 2898 AD का इंतजार इंडियन सिनेमा के फैंस को बेसब्री से है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये मूवी इंडियन सिनेमा के लिए बहुत ही बड़ी मूवी हो सकती है, जिसकी वजह से इसके मेकर्स इस मूवी को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस मूवी का टीजर सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिलीज भी किया था। अब इस मूवी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। सिने जोश नाम की एक वेबसाइट से ये पता चला कि ये मूवी 2 पार्ट्स में नहीं बल्कि 9 पार्ट्स में रिलीज हो रही है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, 9 पार्ट्स में रिलीज होगी। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट भी है कि ये सारे पार्ट्स प्रभास वाली मूवीज की सीक्वल्स नहीं होंगे, बल्कि काल की 2898 AD के कैरेक्टर्स का स्पिन ऑफ मूवीज होंगी। इस मूवी में प्रभास के अलावा कमल हसन, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन को टीजर में दिखाया गया था, लेकिन फ्यूचर में हमको इसके ट्रेलर में और भी कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं जिनके ऊपर आने वाले पार्ट्स को बनाया जाएगा, और ये मूवी एक यूनिवर्स की तरह बनाई जाएगी। वैसे इस मूवी के टीजर को देखने के बाद मुझे इस मूवी से काफी हाई होप्स है, लेकिन आप हमें कमेंट्स में बताइए कि कल की 2898 AD से आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ऐसे ही इंटरटेनमेंट और मूवी रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।